बिल्कुल ठीक ही नहीं। لکوانی بیا سخت چپر آغلی ده یار سوکو اللہ دا مور غریب مرکڑا داو گو رہا یار میں پچھلے دو سال سے اس بچے کے علاج کے لیے حکومت پاکستان سے بھیک مانگ رہا ہوں میں مانگ مانگ کے تھک گیا اس حکومت سے عمران خان سے جس کی پارٹی کو میں نے 12-13 سال دی فقیر بالکل فقیروں کی طرح رہ رہا ہوں دوستو کیا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس معصوم کی مدد کرے اس کو تکلیف ہے یہ بیمار ہے اس کو میڈیکل علاج کی ضرورت ہے क्या कोई भी नहीं है ऐसा पाकिस्तान में या दुनिया में या कोई पाकिस्तान हमारी इस्लामिक कम्युनिटी में कोई भी ऐसा नहीं है कि इस मासूम की मदद करे। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पे रहम फरमा। अल्लाह बड़ी तकलीफ में, अल्लाह बहुत ज्यादा हालत खराब है हमारी। कोई तो हो ना जो हमारी मदद करे यार, कोई तो होगा ना, कोई तो होगा ना, कोई मदद करेगा, कोई तो होगा ना। अल्लाह अल्लाह तेरा कोई मदद तो होगा ना जो इसकी मदद करेगा। अल्लाह वालिद हूँ जिसकी बेटे की आपने वीडियो देखी थी अली अब्बास की। अरसा 2-2.5 साल से मैं इसके लिए कैंपेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिसोर्सेज इतनी नहीं हैं। तो इन 2.5-3 सालों में मेरे पास रिवाइड मिनिस्टर हैं डॉक्टर इख्तशाम साहब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनके हाथ में है माशाल्लाह से, अल्लाह इनको खुश रखे, जो आए जिन्होंने मुझे एटलीस्ट हौसला दिया कि इस बच्चे के लिए या इस तरह के जितने भी फैमिली सफर्ड हैं उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़ोन कॉल्स का, आपके मैसेजेस का, आपके आने का, और स्पेशली मैं मिनिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने आपको एक वो दुखी एक दर्द वाला दिल दिया है। आप मेरे बच्चे को देख के खफा हुए ना, बस मेरे लिए काफ़ी है ताकि आपको हमारी उस तकलीफ का इतना सा एहसास हो कि सर हम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कुछ इस बच्चों के लिए करना चाहते हैं। आज एक वीडियो मुझे मिली जो कि वायरल हुई है काफ़ी वक्त से इस बच्चे की और इनके वालिद साहब की, और ये जो तकलीफ़ें झेल रहे हैं और जो मसले इनको दरपेश हैं, और ये बच्चा जो है मेंटली इसकी हालत ठीक नहीं है और अकॉर्डिंग टू देम ऑटिज़म भी है इनको। तो बस मैं आया क्योंकि एज अ गवर्नमेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जैसे लीडर है हमारा और फिर चीफ मिनिस्टर महमूद खान जैसे लीडर है, खुद आदर्श लोग हैं, तो हम सब एक उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हम पे बहुत ज़्यादा हक है, लेकिन उसके अलावा एज अ गवर्नमेंट स्टेट के हर सिटीज़न का हम पे हक है। फिर उनमें जितने गरीब हैं, जितने मजलूम हैं, जितने बेबस हैं, पहले उनका हम पे हक। तो मोहम्मद इमरान खान ये बच्चे के वालिद साहब हैं और इनकी मदद हम सब ने करनी है और मिलकर करनी है, और हमने मिसाल बनानी है इनको और इनके जैसे और जो मजलूम तबके के लोग हैं, ताकि वो ऊपर आ सकें और वो इस सोसाइटी में अपना किरदार हासिल कर सकें। ये इनके वालिद साहब हैं, ही इज़ एन MBA इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो एक इतना कॉम्पिटेंट बंदा वो 3 साल से रोज़गार नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि उनका एक बेटा है और वो भी डिसेबल्ड है और उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि उनके लिए नर्सेज रखें या उनके लिए नौकर रखें। वो 3 साल से ये और इनकी जो मिसेज हैं वो सिर्फ सुबह से शाम तक यही काम करते हैं कि इस बच्चे को संभालें। उसके बाद ये जाते हैं फिर करीम कि ये जो टैक्सी सर्विस है ये चलाते हैं एज एन MBA। इंशाल्लाह इनको मैं आई फैसिलिटेट देम टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो हमारे कजन्स रन करते हैं प्राइवेट, जो कि जितने मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको रिहेबिलिटेट भी करते हैं, ट्रीट भी करते हैं, फर्दर रिफर भी करते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई है अकबर केयर इंस्टीट्यूट। जितना इनका इनकी दवाई का खर्च हो, व्हील चेयर्स इक्विपमेंट जो चाहिए हो, इसके अलावा महीने के डायपर का खर्च हो, जो भी हो, वो सब कुछ इंशाल्लाह अकबर केयर इंस्टीट्यूट करेगा। उसके बाद फिर वो जो जब इसको कंसल्ट करेंगे और वो हमें तरीका बताएंगे या कोई जगह बताएंगे इलाज की पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर,
तो उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने अभी बात भी की है और वो इस बात पे राज़ी भी हैं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि फौरन ये करना चाहिए। मैं एक समरी मूव करूंगा अपने डिपार्टमेंट से, जितना इनका खर्च होगा इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट अदा करेगा, जितना हमसे खुद होए वो मैं भी करूंगा। मैंने इनके साथ वादा किया है इंशाल्लाह। ऑब्वियसली पीटीआई हर चीज़ में मेरिट को तरजीह देती है, मेरिट पे होगा, लेकिन मैंने इनको कहा है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक जॉब भी दिलाएंगे जिस पर ये मेरिट पे पूरे हों, इंशाल्लाह वो हमारी कमिटमेंट होगी। वी मेक श्योर कि ही गेट्स ट्रीटेड और इनका ये बच्चा जो है वो गुल मेल भी सके और खा पी भी सके और बोल भी सके और इंटरेक्ट भी कर सके, और इंशाल्लाह जब ये ठीक हो जाए तो इसकी जितनी स्कूलिंग हो तो इंशाल्लाह वो भी हमारे जिम्मे होगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक दे जमून की तस्म द इतफाक और द तर्ज जज्बस आती, अल्लाह पाक दे सा तकलीफ आसान की, अल्लाह मुझे बची अल्लाह दे तलवे उम्र की, अल्लाह दे तरूफ की दसे कि दस्ता सो तो खुशहालियाँ बायस शी और इकरा की टोल पाकिस्तान जी सुमरा गुरबादी और सुमरा मजलूम तबका दा जिदागी पकार मुंगराशु और अल्लाह पाक मुंग दता इज़्ज़त राखी।